Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali and I am still working in UAE. So बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको जो चाहते हैं जो UAE में रहते हैं स्पेशली कि हम फाइल कैसे खुलवा सकें और बहुत सारी उनको मुश्किलात होती हैं और कहीं से गलत नॉलेज भी उनको मिल जाती है. कोई कोई लोग गलत एडवाइस भी देते हैं, इसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. तो अभी रिसेंटली मैंने फाइल खुलवाई है ड्राइविंग लाइसेंस की ऑटोमेटिक से, ऑटोमेटिक एयर की. तो उसका जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहां आप काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, उसके जो आपका स्पॉन्सर है और जो भी आपका ऑनर है, उसका आपको इजाज़त नामे की ज़रूरत होती है और NOC जिसको कहते हैं. आप जब उससे NOC ले लेंगे, उसके बाद चंद डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके, जैसे लाइक दैट वो अपना पासपोर्ट कॉपी है ये, और एमरेट्स ID की कॉपी, ये आप पूरी एक फाइल बनाकर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ ऑलरेडी एक होता है. यहाँ अजमान में तो मरूर है जो जस्ट में होता है, तो यहाँ आप लेके जाएंगे. तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो काउंटर पे आपने सबसे पहले वहाँ से टिकट, सॉरी वहाँ से टोकन लेना है. टोकन लेंगे तो आप वहाँ रिसेप्शन बना हुआ है, वहाँ कुर्सियाँ वगैरह लगी हैं, जहाँ वहाँ जा कर बैठ जाएंगे. उसके बाद बहुत सारी LCDs आप देखेंगे आपके चारों तरफ लगी हुई, उसमें आपको बिल्कुल यानी समझे एक तरह से वहाँ रहकर हर चीज़ से फारिग हो जाएँ, क्योंकि जब वो नंबर निकल जाता है तो फिर बाद में बारी नहीं आती और ना आप कोई क्लेम कर सकते हैं मैं वॉशरूम गया हुआ था, मैं ये करने गया था, मैं दूसरे काम करने गया हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ. यानी रूल बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं यहाँ के बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो दूसरी बात ये है कि आप फिर आपका टोकन, जब आपका आप टोकन ले लेंगे उसके बाद LCD में नंबर चलेंगे. नंबर आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत सारे नंबर चलेंगे, उसमें आपको सब LCD में देखना पड़ेगा. बहुत सारी LCDs लगी होती हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि हम एक LCD को देखते रहते हैं, फिर हमारा नंबर दूसरी LCD में आ रहा होता है, तो वो नंबर हमारा निकल जाता है, हमें पता भी नहीं लगता और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है. तो हमें बहुत ही यानी चौकन्ना रहना है. फिर दूसरी बात, जब आपका नंबर आया तो वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दें, फिर एक वो फ़ाइल बना के देगी. उसके बाद आप फाइल वो लेकर उसके बाद आप जाएंगे अलकियादा में, जो हर सिटी में वहाँ दूसरा ऑफिस होता है. आप किसी से पूछिएगा अलकियादा किधर है, वो बता देंगे अलकियादा, जहाँ आपका टेस्ट भी वहीं होगा, वहाँ लेक्चर भी वहीं होगा आपका. तो आप वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ एक मशीन लगी होगी, ठीक है, तो वहाँ लिखा होगा फ़ाइल खुलवाने के लिए ये दबाएं, तो वहाँ ऑटोमेटिक टोकन का सिस्टम है, कोई देगा नहीं. आप वो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ़ाइल खुलवाने के, वहाँ लिखा होगा बकायदा इंग्लिश दोनों होता है, तो वहाँ आपको वहाँ टोकन मिलेगा. आप ऐसे ही जैसे आपने यहाँ मरूर में वेट करा था और देखा था कि नंबर मेरा कब आएगा, तो ऐसे ही यहाँ भी सिस्टम यही होगा, पूरा सेम सिस्टम यही है. फिर आप यहाँ जैसे आपका नंबर आता है, आप वहाँ जाएंगे, सारे आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, फिर वहाँ आपको इस वक्त जो फ़ीस चल रही है वो 1350 है, आपको वो पे करने पड़ेगी. तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा आपका. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि आपने जब पैसे दिए, उसके बाद आपको एक मिलेगा डेट, लेक्चर की डेट मिलेगी. लेक्चर की जब डेट मिलेगी तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 21 दिसंबर की आपको डेट मिली, तो उसी हिसाब से आप अपने सारे मामलात को ना अरेंज कर लेंगे, कहीं जाना तो नहीं है. क्योंकि अगर लेक्चर मिस हो गया तो समझे आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो आप नॉलेज बुक से नहीं ले सकते, वहाँ बुक भी दी जाएगी, पूरे पैकेज में बुक भी है आपकी, उसमें सब लिखा होगा, मगर जो लेक्चर से आपको नॉलेज मिलेगी ना, जो टेस्ट में आसानी पैदा होगी, वो आप बुक से नहीं गेन कर सकते. वो इसलिए कि लेक्चर में सब बताया जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे आएंगे, किस किस तरीके से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है कॉमन सेंस. अगर वहाँ अगर आपने अकल यूज़ करी तो आप पास हो जाएंगे, वरना तो बहुत सारे जवाब ऐसे भी लोग दे देते हैं कि ये नॉर्मल अगर आप जहन लगाएंगे तो वो दे सकते थे, मगर जल्दबाजी में ऐसा होता है 40 मिनट मिलते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में धड़ाधड़ देकर फिर रिव्यू डाल नहीं करते. वहाँ एक ऑप्शन भी होता है रिव्यू डाल का, जायज़ा सबका जायज़ा, आप पूरे मामलात को देख सकते हैं, सारे सवालात को जो आपने दिए.
मगर जल्दी जल्दी नहीं करें, आराम आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। और एक बात बताना भूल गया मैं कि जब आप मरूड से फाइल खुलवाएंगे उसके बाद आई टेस्ट होगा जो कि वहीं करीब में, आप किसी से पूछेंगे तो वो बता देगा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वहाँ रिसेप्शन पे हर लोग, हर बंदे होते हैं और वो इसलिए बैठे हैं कि आपकी हेल्प कर सकें। तो आप वहाँ जाएंगे, आई टेस्ट होगा आपका, ठीक है। आई टेस्ट में आप वो चेक करेंगे आपकी आईज, कोई आई साइड वीक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आँखों में। अगर वो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा अगर आप क्लियर हैं, तो वहाँ से आप जाएंगे फिर कियादा, जो मैंने पहले बताया कि सेकंड जो आपका जाना होगा आप वहाँ जाएंगे कियादा, जो मैंने बताया था कि वहाँ आपको 1350 जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद वो टेस्ट की डेट देंगे, ठीक है। अली तो भाई, कितने? 1350 दिरहम है ना? जी दिरहम है, बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप तो आपको अल कियादा पे मरूड पे जाकर, सही है, आपको टोकन लेना है, टोकन का वेट करके वो आपको फॉर्म देंगे। आपने NOC, पासपोर्ट, ये सब अपने डॉक्यूमेंट देने हैं उनको, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, उसको लेकर आपने जाना आई टेस्ट के लिए। आई टेस्ट होने के बाद आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि रिसेप्शन वाले इसलिए बैठे हैं कि आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हैं, और ये भी प्रॉब्लम नहीं कि अरबी, हिंदी, उर्दू की अल्हम्दुलिल्लाह सब आती है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब आती है उन लोगों को। तो आप वहाँ आई टेस्ट, सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप आपका होगा अल क़ियादा। वहाँ जाकर आपको फ़ीस पे करनी है, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया, आपको डेट दे दी जाएगी टेस्ट की। उसके बाद आपको उस टेस्ट पे आना है, उस टेस्ट डेट पे आना है, और अपना वहाँ आपको टेस्ट होगा, ठीक है। और जो भी लेक्चर में आपने सुना होगा, ठीक है, आप को जब आप वो पैसे पे कर देंगे, उसके बाद आपको लेक्चर देंगे, लेक्चर के बाद टेस्ट। जब लेक्चर